बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिफ्ज़ व अमान में रहें और खुशाबाद रहें। चले जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेबी बॉयज ड्रेसेस के आइडियाज़ के बारे में। और वो ड्रेसेस आइडियाज़ इस तरह से हैं कि बहुत ही इजी हैं सिलाई करने में भी, और देखने में भी आपको बहुत इजी लगेंगे कि कितना कंफर्टेबल और इजी स्टिच हुए हुए हैं कि आप भी अभी मशीन उठाएं और स्टार्ट करें सीना। बहुत ही इजी स्टाइलिश आइडियाज़ हैं। चले देखें, बिल्कुल कंफर्टेबल कॉलर शेप में भी हैं और रिबन शेप में भी हैं, नेकर टाइप है। अक्सर क्योंकि आगे समर सीज़न आ रहा है तो बच्चे छोटे छोटे हैं तो नेकर पे प्यारे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो वही आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई तो लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, और अच्छे से कमेंट भी नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे, क्योंकि आप लोगों की इस कमेंट की वजह से मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग जो सपोर्ट। इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको मिलते रहें। अच्छा, मुझे ये पर्सनली छोटे बच्चों पर धोती स्टाइल जो शलवार होती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि वो इनोसेंट से होते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही ओवर लगता है। बच्चे बेचारे बोझल से लगते हैं, तो मुझे जो पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि बच्चों पे ये अच्छा लगे। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। खैर, जिसको जो अच्छा लगे, जिस तरह से अपने बच्चों के लिए सिलवा लें। मेरे पहले ये शर्ट टाइप की जो आइडियाज़ शेयर किए हैं ये भी होममेड है, आप इजीली अपने घर में स्टिच करवा सकती हैं। इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है कि आपने क्या करना है। अच्छा, बच्चियों के जो होते हैं उनके लेसेस कंट्रास्ट करो, कुछ और डिज़ाइनिंग करो, तो लड़कों के लिए इस तरह का कोई भी इशू नहीं होता। सिंपल एक सूट लिया, उसके साथ धागा और थोड़े से बटन वगैरह या थोड़ी पट्टी वगैरह मैच करवा ली, या ना भी करवा लें तो घर में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा बचे होते हैं जो उनके साथ थोड़ा बहुत कंट्रास्ट होता है, उनके साथ बना के पट्टी वगैरह प्लेट्स वगैरह डाल के या थोड़े बहुत डिज़ाइनिंग करके आप इजीली कर सकती हैं। अगर किसी को कशीदाकारी आती है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो फिर बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन फिर खुद ही सी लेती हैं। थोड़ा सा ये देखें पट्टी वगैरह ब्लैक कलर की, तो ये तो हर किसी घर में वाइट ब्लैक रेड इस तरह के पट्टियाँ वगैरह तो घर में पड़ी ही होती हैं। छोटे छोटे जो पीसेस बच जाते हैं ना दूसरे कपड़ों से, तो वही पट्टियाँ बह जाती हैं, और इसी से ही थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर ली, कॉलर पे बना लिया, बैंड पे बना लिया, या डोरी वगैरह बना ली। बहुत ही ये इस तरह की पट्टियाँ मिल जाती हैं, ये जो इस तरह की ये देखे प्लेट्स डाली हुई हैं, कितने प्यारे प्यारे, कितने इनोसेंट से बच्चे हैं, प्यारे लगते हैं। प्यारे प्यारे अगर आइडियाज़ इस तरह के उनके सूट्स वगैरह पर सी लें तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। थैंक यू बहुत बहुत। चलिए मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जो स्किप कर दें और पिछला डिज़ाइन रह जाए। इस तरह बहुत होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि मैं जो डिज़ाइन देखना चाहती हूँ ना, अगर मैं स्किप कर लूँ तो वो पीछे जो मेरे माइंड के मुताबिक जो डिज़ाइन होता है वो पीछे ही रह जाता है। तो अभी मैं स्किप नहीं करती, जो भी डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो भी करती हूँ, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्किप करके ना देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।